Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. इस vlog की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉस्पिटल से. जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं सब हॉस्पिटल में हूँ. हालत मेरी बहुत खराब, मुझे वीको चढ़ा हुआ था, दो बोतल मुझे ग्लूकोज चढ़ चुका है. डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर कब तक आएगा बताएगा जैसा भी है. बाकी यार मैं रात में एडमिट हुआ था तो रात में ब्लॉग कर नहीं पाया था. बाकी इस टाइम पूरे दिन हॉस्पिटल में रहा और आज ब्लॉग भी लेट में आया. आज ब्लॉग 2 बजे आया क्योंकि आज पूरे दिन बहुत मुश्किल एडिट कर पाया, मैंने अपलोड किया बहुत मुश्किल हो गया था. बट अब कैसा क्या होता है मुझे पता नहीं, मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है. बाकी हम लोग को भी यहाँ से निकलते निकलते शायद शाम हो जाएगी और अभी तो शायद 3 बज रहे हैं, तो 2-3 घंटा रुकना पड़ेगा. डॉक्टर आते ही तब पता चलेगा क्या कैसे है. बाकी यार बहुत बेकार दिन गया आज का, पूरा दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया, मैं कहीं कुछ नहीं कर पाया. जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए आप, और देखते क्या होता है आगे. डॉक्टर आके तक कुछ बता पाएगा, तब तो मैं वेट कर रहे हैं बैठे हुए हैं. साथ में पीयूष भी है, कैमरा पकड़े हैं, पापा भी हैं, और बहुत ख़राब लग रहा है यार कि मेरे चक्कर सब लोग परेशान हो रहे हैं. बाकी देखते क्या होता है, मिलते थोड़ी देर में आप. गाइस यार डॉक्टर आ चुके हैं, उन्होंने मुझे अपना डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया है. चल रहे हैं पहले अपने वीको निकलवाते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर. यार बहुत दिमाग है, बहुत दर्द हो रहा है, फटाफट निकलते हैं यहाँ से बाहर, तब से बात. तो गाइस यार कल रात का आया हुआ 10:30 बजे का, मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से. कितने बजे होंगे, 6:30. भाई पूरा दिन निकल गया, अब निकलते हैं. अब मैं बाहर की सूरत देख रहा हूँ, आप ये चेक करें. अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, चलता हूँ. वीको मेरा हट चुका है, दवा लेते हैं, घर चलते हैं. भाई बहुत सुकून मिल रहा है बाहर आके. भाई यार अब ये चक्कर है, अब जाके बाहर निकला, मुझे बाहर की हवा देखने को मिल रही है. ले लीजिए, फाइनली मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल के बाहर. ये थी हमारी रोड, अब चलते फटाफट घर, आ चुके हैं, पहले दवा ले लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं. भाई यार फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ. ऐसी मेरी ये हालत है, क्या बताऊँ यार. रात 10 बजे का निकला हुआ था एडमिट होकर अस्पताल में, इस टाइम 8:30 बज रहे हैं. समझ लीजिए अप्रॉक्स 24 घंटे होने वाले हैं. पूरे दिन हॉस्पिटल में रह के पागल हो गए थे यार. अब घर पे आए, चलते नहाते वहाते चेंज करते, सारे कपड़े उतारते, अस्पताल वाले ब्रश वश कुछ किया नहीं है, ब्रश वश करते हैं. और भाई अस्पताल से जाना मतलब यार सही में पेशेंट की सही में बहुत वार्ड लग जाती है. मैं तो भाई मुझे प्रे करूंगा कोई यार अस्पताल ना जाए. चलिए बाकी चेंज करते हैं फिर आपसे आराम से मिलते हैं. गाइस यार फाइनली चलिए मैंने पूरा चेंज वेंज कर लिया, नहा लिया, अब अच्छा लग रहा है यार. कल से पूरा दिन ना मैं नहाया, ना मैंने ब्रश किया, ना कुछ, पूरा गंदा सा था, पूरा बहुत अजीब सा लग रहा था. बट अब इतना अच्छा लग रहा है, चेंज कर लिया, नहा लिया, रिफ्रेश लग रहा है. और मम्मी ने दलिया बना दिए, चलते हैं दलिया खाते हैं, उसका दवा भी खानी है. चलते हैं अंदर, दलिया खाते हैं, मिलते हैं आपको अंदर. गाइस यार आ चुके हैं अंदर, मम्मी ने निकाल दिया हमारी दलिया. अब ये चेक करें, एकदम पानीदार दलिया है बिल्कुल, बस अब यही खाना है. अब यही चलेगी हमारी हफ्ते भर, तभी ठीक होंगे. बाकी डॉक्टर अंकल ने दवा दी है, मेडिसिन वो खाएंगे, सिरप दिया वो पीना है, और बस खाते हैं इसको. यार क्या बताया जाए यार, बहुत आशा दिन यार कैसा ही क्या मैं जानता हूँ. अब दलिया खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं. गाइस यार चलिए मैंने दलिया वाला आराम से खा ली, खाना पीना अपना हो चुका है. अब खाते हैं अपनी दवा, ये दवा खानी मेरे को, फटाफट ये गोली खाते हैं और उसके बाद में रेस्ट करेंगे, तो एडिटिंग वाला स्टार्ट करेंगे. आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा ही बहुत किया होगा तो आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा. बाकी क्योंकि मैं इतना परेशान था ना यार, मैं घर आया जैसे भी करके, बस आया दवा खाई, दवा खाने जा रहा हूँ, और खाना वाना खाया, रेस्ट किया, मतलब रेस्ट क्या किया, रेस्ट करूँगा. वो थकावट सी हो रही थी तो इसलिए हॉस्पिटल में तो इतना ज़्यादा थका था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी. किस तरह आज मैंने ब्लॉग अपना अपलोड किया, आज मेरा ब्लॉग देखा होगा अपने 2 बजे आया, इतना मुश्किल थी, तबीयत ख़राब भी थी, एडिटिंग करना, अपलोड करना, बहुत कुछ हॉस्पिटल में रह के तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. दैट्स वाई मैं फटाफट दवा खा लेता हूँ फिर आपसे आराम से बात करता हूँ. चलो भाई दवा खा ली, अपना काम हो गया, आप चलते हैं आराम से अंदर, बैठते हैं आपसे पूरी बात करते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, पूरा डिटेल में बताते हैं आपको. तो गाइस यार फाइनली अब जाके मैं बैठा हूँ, अब फ्री हो पाया हूँ, तो अब साथ अब आपसे मैं आराम से बात कर सकता हूँ. सो गाइस प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई थी क्योंकि एक्चुअली मैं यार परसों बाहर गया था, परसों मैंने बाहर से थोड़ा बहुत खा लिया था मैकडीम बर्गर वगैरह, तो मैं घर पर आया, घर पर खाना बना हुआ था, तो घर पर मैंने घर पर भी खाना खा लिया. एक्चुअली मुझे आते थे 10-11 बज गए थे, मैंने लेट खाना खा लिया. मैं एक्चुअली जल्दी खाना जल्दी खा लेता हूँ, बट उस दिन मैंने खा लिया था कि घर पे खाना बनाए ख़राब ना हो जाए, तो उस वजह से मैंने घर खा लिया. तो एक्चुअली वही दिक्कत कर गया, दोनों एक साथ हो गया, बाहर का भी घर का भी, और वही मेरे को रात में थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया था. तो पेन मुझे हल्का हल्का लग रहा था, मैं सुबह तक आराम मिल जाएगा, बट सुबह वो ज़्यादा तेज़ होने लगा, तो मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया. फिर मैं डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, 2-3 दिन मुझे रिलीफ मिल गया था, तो उन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया, मुझे लगा ठीक हो जाएगा. तो मैं वापस से अपने घर आ गया, जब देखा शाम को मैं दिक्कत मेरा शाम तक मुझे ठीक लगा, पीछे शाम के 6 बजे के बाद मैं दिक्कत फिर से लगी कि नहीं वॉमिटिंग से लग रहा है और पेट दर्द फिर चालू हो गया. मुझे लगा मैं इंजेक्शन लगाया फिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या. फिर इतना सीरियस हो गया कि मुझे वॉमिटिंग कंटिन्यू स्टार्ट हो गई, रुकी नहीं रही थी, तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई. तो मैं अब तो यार दिक्कत देने वाली बात हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा. तो पापा ने कहा बेटा आप काम करो, अब आप वेट मत करो, तुरंत चलो.
वो मुझे तुरंत ही ले गए हॉस्पिटल, तुरंत लेकर मुझे इमरजेंसी में वहाँ एडमिट कराया। वहाँ पे मैं एडमिट रहा, कल मुझे एडमिट कराया था रात में 10 बजे, 10 बजे से लेके पूरा दिन आज रात में, कल एडमिट रहा, आज सुबह पूरा एडमिट रहा, पूरा दिन एडमिट रहा, शाम को 8 बजे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया। तब मैं वहाँ से निकला, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया भी, जैसा भी मैं बाहर आया, मैंने आके पूरा मेडिसिन खरीदी, घर आया, कपड़े सारे जितने गंदे सब धुलवा दिए, प्यूशन धो दिए, मैंने तुरंत नहाया, चेंज किया अच्छे से, पूरा ब्रश वश किया, कुछ नहीं किया था, फिर आके मैंने दलिया खाई, मेडिसिन वगैरह खाई, और उसके बाद मैं अब आराम से बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। सो बाकी यार हॉस्पिटल में यार गाइस जो सीन होता है ना, मैं यार क्या ही बताऊँ आपको, ऐसा सीन हो जाता है कि आप मतलब ऐसा यकीन ही नहीं करेंगे ना कि हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल होता है यार पेशेंट का। तो यार मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई पेशेंट यार हॉस्पिटल जाए यार, क्योंकि जिस कंडीशन मेरी हालत हुई, मैं इतना मेरी आज बॉडी इतना झेली है, मैं चाहूँगा कि कोई दूसरा और भी झेले यार, प्लीज़ यार। बाकी एक मेरी शिकायत रही गवर्नमेंट से कि यार मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरह का माहौल रहता ना कि यार मुझे मतलब पॉसिबल होना नहीं चाहिए यार, कि मैं इतना टैक्स, हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत है कि मशीन्स नहीं है, और इतना मतलब साफ सफाई नहीं है, इतना हाइजीनिक नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम थी, और बहुत पेशेंट परेशान थे, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आ रहे थे, बहुत चीज़ें थी। तो यार मैं चाहूँगा यार ये शिकायत थी, तो यार गवर्नमेंट अगर प्लीज़ यार इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इतना टैक्स सब कुछ पे कर रहे हैं, उसके बाद हमको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है, तो ये तो गलत बात है ना। जो मुझे थोड़ा लगाया तो मैंने आपसे बता दिया, आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा करे तो इस चीज़ को जरूर बोला करिए, जहाँ भी जब कुछ ऐसा लगा करे। बाकी यार आज का दिन तो बहुत हैक्टिक गया, बहुत हैक्टिक है, बहुत डेंजरस दिन गया, बट फाइनली किस तरह घर आ गए, बड़ी अच्छी बात तो यही है, और बहुत अच्छा लग रहा है घर में आके यार। बाकी यही बस मुझे आपसे बात करनी थी, तो ठीक है, इस ब्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।